आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सबका स्वागत है। हम जम्मू से रजौरी और पुंछ के राजमार्ग पे हैं। आज आप देख सकते हैं कि जम्मू और पुंछ की जो रास्ता है, जो मेन राजमार्ग है, उसको जो है एक्सटेंड किया जा रहा है। और उसके एक्सटेंशन में जो है बहुत सारी जो व्यापारी थे उनकी भी ज़मीनें आई, लेकिन इसकी एक्सटेंशन की वजह से जो है राजमार्ग का अगर आप देखें, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। इस रोड का मैग्नमाइज है, लेकिन बहुत सारा रोड अभी जो है वो इनकम्प्लीट है, टूटा फूटा है, वक्त लगेगा, लेकिन ये राजमार्ग भी जो है जल्द से जल्द कंप्लीट होगा, जिसको कि NHIL DL जो है बना रही है। और हमारे साथ हैं यहाँ के व्यापारी जो कि एक ढाबा यहाँ चलाते हैं, महालक्ष्मी वैष्णो ढाबा बामला, और इनसे हम बातचीत करेंगे। आपका नाम? दौलतराम नाम है मेरा। दौलतराम जी, आपने कब ये ढाबा खोला था यहाँ पर? 2002 में खोला सर। तो 2002 में आपने वो रोड भी देखी जब यहाँ पे जो है सिर्फ एक लेन थी, जिसमें कि गाड़ी एक या मुश्किल से जो है दो गाड़ी क्रॉस होती थी। तो अब जो है ये राजमार्ग को बढ़ाया गया है, इससे आपके जो यहाँ पे ग्राहक पहले आते थे, कस्टमर जो आते थे, वो बढ़े हैं कि कम? नहीं, बढ़ रहे हैं, कस्टमर बढ़ रहे हैं, गाड़ी बहुत जा रही है, इधर श्रीनगर भी जाती है गाड़ी इधर से ही। अच्छा, रास्ता जब ठीक हो जाएगा उससे, तब सब लोकल को पड़ जाएगी ना, जब तब गाड़ी ज्यादा इधर से जाएगी, क्योंकि रोड बहुत अच्छा बन रहा है। हाँ। तो जो जिस तरीके से रोड यहाँ बन रहा है, आपको लगता है काम बिल्कुल सही हो रहा है? हाँ, काम बिल्कुल सही हो रहा है, काम गलत नहीं हो रहा है। और जितने भी लोग यहाँ से राजौरी पुंछ और उसके आप बोल रहे श्रीनगर भी जाते हैं, हाँ, मुगल रोड से, तो क्या वो यहाँ पे रुकते हैं, खाना खाते हैं? हाँ, रुकते हैं, खाना खाते हैं, रुकते हैं, बोलते हैं अच्छा बन जाएगा, अभी साल खंड लग जाएगा इसको बनने में, साल दो साल लगेंगे तो अच्छा हो जाएगा रोड। यहाँ पे खास तौर पे इस इलाके में बामला में, क्योंकि यहाँ मशहूर है, यहाँ लोग रुकते हैं, यहाँ मिठाई भी लोग खाते हैं, मिठाई भी मशहूर है, तो यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज है जो लोगों को आप खिलाते हैं जो और कहीं नहीं बनती है? तो सब बनती है, मक्की की रोटी बनती है, और मक्की की रोटी बनती है, बाकी सब कुछ बनता है, खाना वैष्णो खाना होता है हमारे पास, तो कस्टमर जो आता है एक बार खाता है दोबारा इधर ही आएगा जो खा के जाएगा। तो क्या पिछले 4-5 साल में चीजें बदली हैं आपके यहाँ बामला में कि वैसी ही हैं जैसे पहले थी? नहीं, बदली हैं चीजें तो बदली हैं, जब जैसे आएगी पब्लिक आएगी ऐसे बदला जाएगा ना काम। पहले काम भी कम था, अभी काम बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है। जब आप यहाँ 2002 में आए थे तो कितने ढाबे थे यहाँ? यहाँ एक ही ढाबा था, पहले एक ही ढाबा था, यही था। अभी सामने आगे पीछे भी हैं, बहुत खुल गए हैं, पहले यही 7 दुकानें खुली थी बस। तो आज जो है आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जब इस राजमार्ग को पूरा बनाया जाएगा, लुक पड़ जाएगी, तो उसके बाद और भी ढाबे यहाँ खुलेंगे? वो ढाबे खुलेंगे, बहुत ढाबे खुलेंगे, काम बहुत बढ़ेगा। तो यहाँ के जो कारीगर हैं जो आपके यहाँ काम करते हैं, वो यहीं के हैं कि बाहर के हैं? यहीं के, सभी यहीं के। हमने देखा है कि जितने भी ढाबे खुलते हैं हाईवे पे, वहाँ बाहर के ही जो है कारीगर होते हैं या लोकल? बाहर के जो कारीगर होते हैं ना, कई कस्टमर ऐसे होते हैं खाना नहीं खाते हैं, कि बोलते हैं कौन है कौन नहीं कैसे है, जो बिहारी बुरी होते हैं कहीं नहीं खाते हैं खाना, इसलिए हमने इधर के लोकल बंदे रखे हुए। तो क्या लोकल एक सब्जी यहाँ होती है? और टोडा? हाँ, मक्की की रोटी मिलती है। हाँ, सरसों का साग, मक्की की रोटी। तो वो क्या डिमांड पे मिलती है यहाँ? जब भी यहाँ ग्राहक आए, वो जब भी ग्राहक आएगा तब मिलेगी। और ज्यादातर जब यहाँ पे लोग रुकते हैं वो क्या खाते हैं यहाँ पे? ज्यादातर तो मक्की की रोटी भी खाते हैं, बाकी चपाती चुपोती सब कुछ खाते हैं ना, जो रुकेगा कुछ ना कुछ खाएगा तो सही ना। तो आपको लगता है कि बदलाव जो है पिछले 5-7 साल में कहीं ना कहीं जो है बामला में आया है? हाँ, बदलाव आया, तो जो आपके गाँव में खासतौर पर यहाँ का गाँव है, वहाँ पे आवास योजना में मकान मिलते हैं, बाथरूम मिलता है, उसके अलावा जो है नरेगा में जो है बहुत सारा जो है बढ़िया काम हो रहा है, सारा बढ़िया काम हो रहा है। जब से BJP सरकार आई है ना, तब से बहुत काम हो रहे हैं, ऐसी गल नहीं, हमारे तो उधर लिंक ही नहीं थे पहले। अच्छा। अभी लिंक बन गए हैं, चलो गाड़ी तो जा सकती है। और रविंदर रैना जब भी आपके यहीं के हैं? हाँ, रविंदर रैना यहीं के हैं, लमेड़ी के हैं, रहने वाले हैं। अच्छा। हाँ, तो ये थे हमारे साथ दौलत राम जी, जिन्होंने बड़े ही संक्षेप में कहा कि हालात बदले हैं, और ख़ासतौर पे भारतीय जनता पार्टी ने जब कमान संभाली उसके बाद, जब गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी जब यहाँ आए, तो कहीं ना कहीं जो है जम्मू रजौरी राजमार्ग और पुंछ राजमार्ग के ऊपर जो हालात बदले हैं, रास्ता अच्छा बन रहा है, और उसके इर्द गिर्द जितने भी ढाबा वाले हैं, जितने भी ऐसे दुकानें हैं जिनका रोज़गार पहले बहुत कम चलता था, अब क्योंकि मुगल रोड भी यहीं से जाता है, तो कहीं ना कहीं इनका काम बढ़ा है और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। आप जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहें स्ट्रेट लाइन, हम ऐसी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे।